अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर शिक्षा के ढांचे में गलत तरीके से बदलाव करने पर शिक्षा को बेचने के आरोप लगाए हैं। एबीवीपी की मंडी इकाई के जिला संयोजक दीक्षित पठानी ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर छात्रों पर रूसा सिस्टम थोपने पर छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अपने छात्र विरोधी फैसले के बाद कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर शिक्षा के ढांचे में गलत तरीके से बदलाव करने पर शिक्षा को बेचने के आरोप लगाए हैं। एबीवीपी की मंडी इकाई के जिला संयोजक दीक्षित पठानिया ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर छात्रों पर रूसा सिस्टम थोपने व छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने छात्र विरोधी फैसले के बाद कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर से उनके ही गृह जिला में स्वास्थ्य सेवाओं के चरमरा जाने की भी बात कही है। एबीवीपी ने सरकार से मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी शुरू करने, रूसा में सुधार करने व उसके लिए आधारभूत ढांचा स्थापित करने व प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को पुनः बहाल करने की मांग उठाई है। इसके साथ ही जिला में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार से कार्य करने की गुहार भी लगाई है। इसके साथ ही अखिल भारतीय परिषद ने मौजूदा भाजपा की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते छात्रों से जुड़े मुद्दों का निपटारा न किया गया तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से भी एबीवीपी गुरेज नहीं करेगी। पठानिया ने कहा कि एबीवीपी के हाल ही में हुए प्रांत अधिवेशन में आगे की रणनीति भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रदेश व मंडी जिला कार्यकारिणी का भी गठन इस अधिवेशन में किया गया है। दीक्षित ने कहा कि प्रदेश में छात्र हितों की लड़ाई को आने वाले समय में भी जारी रखा जाएगा। मंडी के लिए जो ऊना के अंदर जो है प्रस्ताव, मैं अगर मंडी जिला की बात करूँ आपको, तो मंडी जिला के जो अस्पताल है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मंडी में जोनल हॉस्पिटल है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो प्रदेश सरकार से हमने मांग की है कि उसकी स्थिति को जो है सुधारा जाए। और नंबर दो, मंडी महाविद्यालय की ओर आपका ध्यान ले जाऊँ तो मंडी महाविद्यालय की हालत जो है बहुत ख़राब है, ना उसमें टॉयलेट्स हैं, ना उसमें क्लासेज हैं, और ना ही उसमें किसी भी प्रकार का सुधार है, और ना ही उसके अंदर जो है खेलकूद के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की फील्ड है। तो मैं प्रदेश सरकार से यही मांग करता हूं कि सबसे पहले तो मंडी महाविद्यालय की जो है परिस्थिति को सुधारा जाए। और एक मेन मुद्दा जो कि 2017 में जो है इसकी नोटिफिकेशन निकली थी और 2018 में जो है इसकी घोषणा हुई थी कृष्ण विश्वविद्यालय की, तो उसके ऊपर जो है अभी तक भी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का जो है ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया गया है, ना उसकी इमारत को तैयार किया गया है, ना ही उसमें किसी प्रकार की क्लासेस लगाई जाती है। तो मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि एक साल के अंदर ही जो है इसके ऊपर कोई ना कोई ग्राउंड लेवल पर लोगों को काम दिखना चाहिए। तो अगर प्रदेश सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करती है या प्राइवेट सेक्टर में हमारी शिक्षा को बेचने का प्रयास करती है, तो इसी प्रकार का खामियाजा जो है वर्तमान प्रदेश सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।